भले ही कासगंज में ना बनाया जा रहा हो, लेकिन गोरखपुर, मथुरा, लखनऊ और बुलंदशहर की अहम तस्वीरें दिखा देते हैं आपको। उत्तर प्रदेश के मुखिया और गोरक्षनाथ मंदिर के महंत सीएम योगी आदित्यनाथ पहली तस्वीर में मौजूद हैं, क्योंकि वो गोरक्षनाथ मंदिर में पहुंचे भी हुए हैं। बच्चों के साथ जन्माष्टमी का पावन पर्व उन्होंने मनाया, टाफियां दी, और दूसरी भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थली की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तीसरी अहम तस्वीर, चूँकि कृष्ण का जन्म जो है वो कारावास में हुआ था, इसलिए गुडम्बा थाने की तस्वीरें हैं। ये देश के सबसे बेहतरीन थानों में से एक है, गृह मंत्रालय ने इसका सम्मान भी किया इसी बात को लेकर। और चौथी अहम तस्वीर बुलंदशहर से, जहां पर भगवान कृष्ण की जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद वहां मौजूद हैं। जन्माष्टमी के पर्व पर सीएम बच्चों के बीच पहुंचे, उन्हें टॉफियां दी। मुख्य मंदिर में कृष्ण भगवान की पालकी सजी हुई है, पूरा मंदिर सजा हुआ है, सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं और वो मनमोहक तस्वीरें हैं। जब से सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तब से अपने दोनों धर्मों का पालन करते हैं। जब भी कोई दुखिया या बाढ़ पीड़ित की आवाज आती है तो वो मुख्यमंत्री बनकर वहां तक पहुंचते हैं, और जब भी कोई त्यौहार आता है तो वो मंदिर में पहुंचते हैं महंत के रूप में। इस वक्त महंत के रूप में आप जन्माष्टमी के त्यौहार में आप देख सकते हैं, बच्चों को टॉफियां दे रहे हैं, लगातार बच्चों से बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जाएगा इस वक्त जन्माष्टमी के त्यौहार पर बिल्कुल वो बच्चे बने हुए हैं और लगातार जो है ये जो आप भीड़ देखते हैं, भीड़ भी देखिए, पूरी भीड़ है और लगातार भीड़ का गुमार इस वक्त छाया हुआ है। लोग उनसे मिलने के लिए बेताब हैं, लगातार लाइनें लगी हुई हैं और आप देख सकते हैं कि बच्चों से बात कर सीएम योगी आदित्यनाथ और लगातार उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं। जन्माष्टमी का जो पर्व होता है वो उसका पूरी तरह पालन कर रहे हैं। भीड़ जो है गाना, सांस्कृतिक गाना, छोटे छोटे बच्चे जो कि इस वक्त कृष्ण भगवान की भूमिका है वो उनसे मिल रहे हैं, लगातार उनसे बात कर रहे हैं। तो जन्माष्टमी का जो हुजूम होता है आप देख सकते हैं, और ये देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे होंगे, वो बच्चों को टॉफी भी दे रहे हैं और लगातार उनसे मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और ये पीछे हुजूम इसमें इंतजार कर रहा है। तो कुल मिला के कहा जाएगा कि मुख्यमंत्री के साथ साथ महंत के रूप में भी पूरी तरह जन्माष्टमी के पूर्व में नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कैमरा सहयोगी आशीष के साथ विकास शाही, भारत समाचार, गोरखपुर। कृष्ण नगरी मथुरा में जन्माष्टमी के मौके पर देश विदेश के लाखों श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। यहाँ मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया हुआ गया है। इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असल में कड़ा निर्देश दिया। उन्होंने कहा था कि जन्माष्टमी के पावन पर्व पर कोई कोताही न बरती जाए, पूरे मथुरा को सजा दिया जाए। अभी कुछ दिनों पहले ही वो गए थे मथुरा वृंदावन, उनके साथ तमाम लोग भी गए थे, केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी भी थी, मथुरा की सांसद हेमा मालिनी भी थी, और ये जरूरी दिशा निर्देश उन्होंने दिया है। यमुना घाट को भी सजाने को कहा और वैसा ही कुछ नज़ारा देखने को इस बार मिल भी रहा है। अपने मन की फीलिंग्स के साथ यहाँ पे बड़ी भीड़ में दर्शन करने अंदर आए हैं और अपने बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, एकदम बहुत शांति सी अनुभव हो रही है यहाँ पे आए हैं तो हम। आज दर्शन करके एकदम मन प्रफुल्लित हो गया है और हम तो रोज ही अपने कन्हैया के दर्शन करते हैं, और आज के दिन तो विशेष है क्योंकि आज लाला का जन्म हुआ है हमारे मथुरा में। दूर दूर से लोग आते हैं तो हम कैसे रह सकते हैं। ठाकुर जी के शबदेव भगवान जी की मंगला आरती मिली, कहते हैं जो करे मंगला वो कभी ना रहे कंगला, और मंगला आरती करके मन बहुत बहुत ही खुशी से झूम उठा और इतना अच्छा लगा आज प्रभु के दर्शन करके, ऐसा लगा आज नए रूप में अवतरित है हम लोगों के लिए। हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए, हर बार तो भीड़ रहती है, लंबी लंबी लाइन लगी होती है, आज तो सीधे चले आए, ऐसा लगा कि हमें ठाकुर जी ने खुद ही बुला लिया है अपने पास, बिल्कुल सीधे चले आए, बिल्कुल भीड़ में हमें रुकना ही नहीं पड़ा, कहीं लाइन नहीं लगानी पड़ी, और इनके इतने अद्भुत दर्शन हुए हैं कि आज से पहले कभी इतने अद्भुत दर्शन नहीं हुए हमें। बहुत ही अच्छा लगा, मन को बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई, मंगला आरती के दर्शन हुए हमें, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। कृष्णा माधव केशव ये वो नाम है जो अजन्मा है, आज अजन्मा इसी मंदिर के अंदर बद्रनाथ में जन्म लेंगे, उसके दर्शन के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुँच चुके हैं। सुरक्षा की बात किया मथुरा जिला प्रशासन ने,
चप्पे चप्पे पे स्वच्छ व्यवस्था तैनात कर दी गई है और जिस समय भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था ठीक उसी प्रकार आज फिर से कड़ी सुरक्षा के बीच भगवान जी की जन्म रहेगी। इधर वाराणसी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम भी देखने को मिली। परंपराओं के अनुसार काशी में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्राओं ने जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया। विश्वविद्यालय में जन्माष्टमी की झांकी आप देख भी रहे हैं, बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। सिनेमा जगत के सुपरस्टार अभिनेता गोविंदा ने पत्नी के साथ माँ विंध्यवासिनी का विधिवत दर्शन पूजन किया। इस मौके पर गोविंदा ने कहा कि सिनेमा जगत के कलाकारों पर माँ की विशेष कृपा है। माँ विंध्यवासिनी और बाबा भोले के महामृत्युंजय मंत्र के साथ मीडिया के प्रश्नों का उत्तर दिया। बेशक यहाँ का तो है ही है, यहाँ की कृपा सदैव रहे लोगों पे और खासतौर पे जो आर्टिस्ट हैं जी वो लोग यहाँ से ज़्यादा जी कामयाब होकर निकले जी, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है जी जी। और मुझे लगता है कि अब ऐसा समय आ रहा है कि जहाँ पे मैं ये सब आप जो कह रहे हैं जी वो क्रिया करवाऊँ। इधर खबर लखनऊ से है, 6127 अभ्यर्थियों की